हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ भी होंगे। मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मीशो का न्यू कलेक्शन। जी हाँ, न्यू कलेक्शंस में आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ नायरा कट स्टाइल। ऑब्वियसली मैं भी सोच रही थी कि इतना इन है नायरा कट, तो मुझे भी क्यों ना शेयर करना चाहिए। एक वीडियो तो बनता ही है ना। तो मैं भी कुछ कुर्तीज लेकर के आई हूँ। हालांकि इनमें से ना मेरे 3-4 मैंने ऑब्वियसली ऑर्डर किया था, कुर्ता सेट भी किया था और कुर्तीज़ भी ऑर्डर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली डोंट नो क्या रीज़न होता है, समझ ही नहीं आता है, मेरे जो ऑर्डर है कैंसिल हो जाते हैं। कितना मैंने बल्क में उठा करके ऑर्डर किया था, उसमें से आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट मेरे कैंसिल हो गए हैं। तो मैंने कस्टमर केयर पर भी बात की थी, बट वो कहते हैं कि मैडम ये होता है कि जब सप्लायर के पास जो है रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पाती है, नहीं कर पाता है, तो मीशो उसको कैंसिल में डाल देता है, कैंसिलेशन कर देता है उसमें। मैं कहा चलिए ठीक है भाई। तो नायरा कट के कुछ पीसेज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो भी मुझे रिसीव हुए हैं। मुझे लगा कि हाँ जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर देना चाहिए मुझे भी बना करके, बिकॉज़ कि बहुत ज़्यादा इन है नायरा कट स्टाइल में। कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट सा होता है इनका ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई कंजूसी मत कीजिएगा। चैनल पर चल रहा है गिव अवे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगी, एक बार जा करके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लीज़ अच्छे अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए और इन्वाइट्स लेकर के आइए, ताकि हमारा छोटा सा चैनल जल्दी से ग्रो अप हो जाए और जल्दी से जल्दी हमारे 2K कम्प्लीट हो जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर भी ना आपको इंस्टाग्राम की आईडी लगा दूंगी, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज कि वहाँ पर डेली अपडेट्स जो भी होते हैं मैं वहीं पर शेयर करती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट कुर्ता रहने वाला है हमारा ब्लैक कलर में है, और ये हमें रियॉन के फैब्रिक में मिल जाता है। तो देखिएगा, ब्लैक तो आपको पता ही है मेरा तो फेवरेट है, मेरे किसी ना मतलब एक दो होल छोड़ करके ब्लैक मेरा होता ही होता है। ब्लैक और मस्टर्ड तो ना मेरे फेवरेट शेड्स होते हैं। चलिए ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमें हम कुर्ती की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की मिल जाती है, राउंड नेक मिल जाता है हमें, जो बैक का जो नेक है हमें ज़्यादा डीप नहीं मिलता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी डिज़ाइनिंग पर। तो जो इसकी ये डिज़ाइनिंग बनी हुई है वाइट से एंड गोल्डन से, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इतना अच्छा, ये प्रिंटिंग है सारा का सारा ना, प्रिंट किया हुआ है इसके ऊपर। एंड इसके साथ साथ में यहाँ पे आपको ना, जो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, यहाँ ना फॉल्स मिरर लगाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और यहाँ पे ना बीट्स लगाई हुई हैं। बीट्स आती है ना गोल्डन कलर वाली, जो डल वाली बीट्स आती हैं, और पास से मैं आपको दिखाती हूँ, क्लियर हो जाए आपको ना, ये इस तरह से ना, ये देखिएगा। और ये सारा का सारा प्रिंट हो रखा है इसके ऊपर, तो ये डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत है। और ये वाइट का प्रिंट है, और यहाँ पर देखिए बीट्स लगे हुए हैं, सॉरी यहाँ पे ना फॉल मिरर लगा रखे हैं। बीट्स का जो काम है आपको इतने पैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। तो जो लुक है कुर्ती का कुछ इस तरह से आने वाला है। यहाँ पर भी प्रिंटिंग हो रखी है, हर जगह पूरी ही जगह प्रिंट आपको मिल जाएगा, नेक पूरा का पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे ना फ्रंट नीचे जो हमारा बेस पार्ट होता है यहाँ पे आकर के ना, तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी गैदरिंग मिल जाती है, बहुत सारी प्लेट्स हैं यहाँ पे। पूरी कुर्ती पे आपको ना ये वाइट वाला ही प्रिंट मिलेगा इस तरह से ना, गोल्डन है, वाइट है, ये वाइट की बूटियाँ मिलेंगी, गोल्डन की बूटियाँ मिलेंगी, ये देखिएगा। तो जो इसका जो घेरा आने वाला है ना, मैं आपको पहले घेरा दिखा देती हूँ, इतना बड़ा घेरा है इसका, बहुत बड़ा घेरा है। और नीचे पल्ले पे आकर के ना आपको इसी तरह की ना डिटेलिंग मिलेगी, ये देखिएगा, मैं पूरा आपको क्लियर कर रही हूँ, पूरा आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। जो हमारी जो साइड की जो स्लिट आती है, पूरी लंबी की लंबी जो स्लिट आती है वेस्ट पार्ट को छोड़ के, यहाँ से आपकी जो स्टार्ट हो जाती है स्लिट, ये देखिएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। और यहाँ पे भी आपको ये डिज़ाइनिंग मिल जाती है, और बैक की साइड में भी आपको डिज़ाइनिंग मिल जाती है। तो जो यहाँ से हमारा कट लगता है ना पल्ले वाला, उस पर भी ये पूरा का पूरा प्रिंट हो रखा है, ये देखिए। ऐसे ही आपको बैक साइड में भी मिलेगा। लुक जो है बहुत ही प्यारा है कुर्ती का ना। अगर हम स्लीव्स की बात कर लेते हैं तो 3/4 आपको स्लीव मिल जाती है, और सेम इसी तरह की ना यहाँ पर जो है प्रिंट किया हुआ है, गोल्डन से, वाइट से, और ये छोटी छोटी सी प्रिंटिंग की हुई है वाइट से, देखिएगा ये वाला, और ये है इसमें गोल्डन वाला है। तो बहुत अच्छा जो है लुक आने वाला है इस कुर्ती का, इसी तरह से इसमें आपको मिल जाएगा, सेम यही है, 3/4 स्लीव्स आपको मिल जाती है फ्रंट और बैक की। जो बैक में है, जो बैक का हमें पैनल मिलता है, बैक में भी हमें यहाँ पे ना गैदरिंग मिल जाती है, ये देखिएगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छा सा घेरा आपको इस कुर्ती के अंदर मिल जाता है, रियॉन का फैब्रिक है, सेम वही बूटियाँ आपको इस पे मिलेंगी, और नीचे आकर के ना आपके पल्ले के ऊपर भी आपको सेम यही वाला बॉर्डर मिल जाता है। तो ओवरऑल जो लुक है कुर्ती का बहुत अच्छा आने वाला है, और
नेक मैंने आपको दिखा ही दिया है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जो ये वाला नेक का ये वाला एरिया भी है ना, ये जो वाइट वाला है एरिया, यहाँ पर भी ना फॉल्स मिरर लगे हुए हैं। अगर आपको दिखा है शो कर पा रहा है, ये देखिएगा कैमरा अगर कैप्चर कर पा रहा है तो, ये देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी पट्टी पर भी ना फॉल्स मिरर लगे हैं। इस वाली पट्टी पर भी आपको फॉल्स मिरर मिल जाएंगे और यहाँ पर भी फॉल्स मिरर मिल जाएंगे। और यहाँ पर ना इस तरह की जो क्या बीट्स बोलेंगे हम उसको, यहाँ पर डिज़ाइन बनाया हुआ है, उससे बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर साइज सभी अवेलेबल हैं। जो इसकी प्राइस है 361 इसका प्राइस है। कलर्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं और मैंने मीडियम साइज़ में इसको परचेज़ किया है एंड आई थिंक मुझे लग रहा है मुझे ये लूज़ आने वाला है। तो ये था हमारा फर्स्ट कुर्ता। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ना सेम इसी में ही एक वाइन शेड में जो था एक ऑर्डर किया था, जो दोनों शेड की साइड से ना कैंसिल हो गया है। और एक ना बहुत प्यारा ना बहुत मेरा तो फेवरेट था, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी उसको लेने के लिए, तो मैंने इस बार उसको ऑर्डर कर दिया था। सिल्क प्योर सिल्क का कुर्ता था और इतने कम प्राइस में मिल रहा था। और नेक पे आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी मिल रही थी और ओवरऑल जो था प्लेन था। और मतलब वो जो एक टेल ब्लू का जो लाइट शेड होता है ना, आप वो समझ लीजिए, इतना खूबसूरत शेड था, वो भी इन्होंने ना कैंसिल कर दिया मेरा। मेरे को ना बहुत दुख हो रहा था, सच में मुझे बहुत बुरा लगा। मैं 3-4 ऑर्डर ना उन लोगों ने ना कैंसिल ही कर दिया। एक स्लिंग बैग भी मैंने ऑर्डर किया था उसका, इन सभी की ना पिक्चर्स भी मैं आपको ना शो करूँगी, आप देखिएगा। मुझे बहुत दुख हुआ सच में, मेरे को बहुत दुख हुआ, सारा ऑर्डर मेरा कैंसिल कर दिया, स्लिंग बैग भी मेरा कैंसिल कर दिया। पता नहीं क्या रीजंस होते हैं इन लोगों के। अब बस ना आप अकाउंट में वेट करते रहिए कब आपका पैसा आने वाला है। मैं जो आपको कुर्ती दिखाने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह की है, हॉट पिंक में है, प्रिंट बहुत अच्छा है, फैब्रिक है, ये प्रिंट नहीं है, फैब्रिक है। ये देखिएगा कितना लाइट वेट है, रियोन का फैब्रिक मिल जाता है आपको ना इसमें। आपको ना ये जो है राउंड नेक मिल जाता है, ये देखिएगा बैक का जो नेक है बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें देखिएगा ये आपको ना इन्होंने पता नहीं ब्रांड क्या है, ये जो ब्रांड का नेम है मिश्का करके कोई ब्रांड है, डोंट नो कौन सा ब्रांड है, बट हाँ इन्होंने टैग लगाया हुआ है इस कुर्ती में, तो मेरे को टैग लगा हुआ मिला है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, टैग भी है इसके अंदर। रियोन का फैब्रिक है, ये फैब्रिक ही है, ये कोई प्रिंट नहीं है इसके अंदर ना। कलर देखिए कितना खूबसूरत है, हर स्किन टोन के ऊपर जाने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। ये आई थिंक एल्बो स्लीव्स आएंगी आपको ना, फ्रंट और बैक दोनों सेम ही है, आपको इसमें सेम ही मिल जाता है, ये देखिएगा। और जो इसका नेक है, मैं इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ना इन्होंने वुड के बटन लगाए हुए हैं ये यहाँ पे, और ये जो बटन्स है ना ओपनेबल है, यहाँ तक आपको बटन ये मिल जाएंगे और ये सभी बटन्स ओपनेबल हैं, आप इसको ओपन कर सकते हैं। स्ट्रेट फिट कुर्ता है और इसका जो लुक है ये पूरा का पूरा आपको इस तरह से मिल जाएगा। नी लेंथ से भी नीचे जाने वाला है ये कुर्ता ना। साइज इसमें मैंने भी मीडियम ही लिया है और एस से लेके डबल एक्सएल तक इसके अंदर साइज अवेलेबल है। प्राइस जो है 335 इसका प्राइस है। जो पल्ला है कुछ हमें इस तरह से मिल जाता है, फ्रंट और बैक का सेम ही है और मुझे नहीं लगता कि इसका कहीं भी कलर भी निकलने वाला है। कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका भी ना। रियोन का फैब्रिक आपको पता ही है कि कैसा होता है, बहुत ही ना बॉडी हगिंग होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, लगता नहीं है कि आपने कुछ ना वियर किया हुआ है। तो मेरी साइड से ना ये भी कुर्ता हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप इस कुर्ते को परचेज करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं डेली वियर में, कैजुअल वियर में ना। अगर आपको छोटी मोटी कहीं भी मार्केट वार्केट भी जाना है ना शॉपिंग के लिए, तो भी आप इसको आराम से कॉलेज कैरी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल भी हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल भी हैं, तो भी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। इसके आप साथ में आप जीन्स भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ प्लाजो वेयर करना चाहते हैं तो प्लाजो भी आप डाल सकती हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील होता है तो कैरी कर सकते हैं, अच्छा सा लुक आप क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ में भी। एंड स्ट्रेट फिट जो जीन्स आती है ना, नैरो बॉटम जो आता है, वो बहुत अच्छा लगने वाला है इस कुर्ती के साथ में। तो ऑफिस गोइंग जो गर्ल्स है ना, उनके लिए भी ये कुर्ती हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी कुर्ती है। इतने कम प्राइस में आपको रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी कुर्ती मिल रही है, तो हाईली रिकमेंडेड है ये वाला। तो हमारा लास्ट कुर्ता सेट है, वो ये कुर्ता सेट है एक्चुअली, ये कुर्ती नहीं है, ये तो बहुत 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 इन है, आपको पता ही होगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से किसी के पास में शायद ये कुर्ता सेट हो भी, या हो सकता है आपने परचेज भी किया हो। तो बहुत ट्रेंडी है, बहुत इन है मीशो के अंदर और बहुत ही खूबसूरत है। मैं ये कहूँगी कलर बहुत प्यारा है, लहरिया प्रिंट है एंड इसके ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी की हुई है इन्होंने जरी से, वो भी बिल्कुल फाइन एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही प्यारी है। अभी मैं आपको ना पूरा मैं इसका दिखा देती हूँ। मीडियम साइज़ में ही मैंने ये परचेज़ किया है, 566 जो है इस कुर्ती का प्राइस मिल जाता है। लिंक और कोड मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा दूँगी।
और इसमें जो साइज है एस से लेके डबल एक्सल तक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लहरिया प्रिंट है, पर्पल और वाइट का इसमें कॉम्बिनेशन है। जो आपका नेक मिल जाता है ये भी ना नायरा कट में आपको मिलने वाली है कुर्ती, ठीक है। ये आपको बैक का गला मिल जाता है जो नेक है, और राउंड नेक में आपको फ्रंट का मिलता है। ये डिज़ाइनिंग देखिए इसकी कितनी खूबसूरत है, सारा का सारा ना इस पर जरी का वर्क हो रखा है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, कोई एम्बेलिशमेंट इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जरी की इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। मैं और पास से दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए पूरा जो नेक है भरा हुआ है। ये आपको पीछे से दिखा रही हूँ मैं, 3/4 इस पे इसकी आपको जो स्लीव्स मिल जाती हैं। कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना, मतलब कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही खिल के आने वाला है, हर स्किन टोन के ऊपर अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे ना जरी से इन्होंने बॉर्डर बनाया हुआ है, फ्रंट और बैक सेम ही है, और 3/4 स्लीव्स हैं ऑब्वियसली, एंड सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आपको बॉर्डर मिल जाता है जरी से ही। और नीचे से देख लेते हैं, यहाँ आके ना आपको गैदरिंग मिल जाती है। माय गुडनेस, बहुत अच्छा सेट है सही में, देख के ना मन खुश हो गया। इस कलर को भी ना, कलर भी कितना खूबसूरत है, कुछ शेड्स ना ऐसे होते हैं जिनको देख के ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ये कलर भी ना उनमें से एक है, आपका मन खुश हो जाता है। यहाँ पे ना इन्होंने गैदरिंग की हुई है, ये देखिएगा कितनी गैदरिंग है, बहुत सारी गैदरिंग है। इसका जो मतलब ये कहूँ कि माय गुडनेस घेरा भी काफ़ी है इसमें तो ना, ये देखिए कितना घेरा है, कैप्चर तो हो गया है बट घेरा भी इसके अंदर आपको बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। और जो ना मुझे इसका ना जो फैब्रिक है ना, रियोन और कॉटन मिक्स लग रहा है। कॉटन बड़ा सॉफ्ट सा होता है ना, मिक्स कर देते हैं तो वो बड़ा सॉफ्ट सा बन जाता है। तो यहाँ से ना जो आपका वेस्ट का पार्ट है ना, यहाँ से भी इसमें एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सेट है, ये देखिए कितनी नीट एंड क्लीन आपकी ना एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। जो आपका ये बैक वाला पल्ला है ना, इस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बट जो आपका वेस्ट पार्ट से एम्ब्रॉयडरी शुरू हो जाती है इस वाले पल्ले पे, आपको यहाँ तक मिलती है, पल्ले पे है, साइड में है, साइड स्लिट्स जो है इसके अंदर ही है सिर्फ ये वाली। और इसी तरह से आपको इस वाली साइड पर भी साइड स्लिट में वेस्ट पार्ट हमारा यहाँ तक है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये आपका वेस्ट पार्ट यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, एंड यहाँ से जो ख़त्म हो रहा है यहाँ से आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये देखिए इतना क्लोजअप करके मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये देखिए ये पूरी की पूरी स्लिट के ऊपर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, सिल्वर की जो जरी होती है ना उससे पूरी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही फाइन है, बहुत खूबसूरत सी है। एंड अगर बैक की हम बात कर लेते हैं तो बैक में आपको ना यहाँ पे पूरी की पूरी गैदरिंग मिल जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे जो घेरा है ना इसका फ्लेयर में आ जाता है, बढ़ जाता है, और पूरा आपको ना इतना आपको इस पर फ्लेयर मिल जाता है, ठीक है। तो भाई ये कुर्ती तो बहुत ही, सेट जो है बहुत ही बढ़िया वाला सेट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और कुछ भी देख लेती हूँ, शायद इसके अंदर कुछ और भी हो, डोरी या कुछ और चीज़ें। ओके, डोरी वगैरह तो इसके अंदर नहीं है, बिकॉज़ की जो डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा था ना इसकी डिटेलिंग में, तो उसमें लिखा हुआ था कि इसके अंदर डोरी भी दी हुई है, बट डोरी तो इसमें कहीं नहीं है। और मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे ये भी ना लूज़ आने वाला है, मुझे लग रहा है, आई होप सो। बट ये देखिएगा नेक की डिज़ाइनिंग सब कुछ इस कुल मिलाकर ना बहुत बढ़िया वाला सेट है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कुर्ता। अब इसका ना बॉटम देख लेते हैं, बॉटम का किस तरह का फैब्रिक है, कैसा है। ओके, पैंट स्टाइल में मिल जाता है बॉटम जो है ना, पैंट स्टाइल में मिल जाता है, बोथ साइड आपको ना इलास्टिक मिल जाती है फ्रंट में और बैक में। और पॉकेट चेक कर लेते हैं, इसमें कोई पॉकेट भी है कि नहीं, इधर तो कोई पॉकेट नहीं है, इधर भी कोई पॉकेट नहीं है। रियोन है, बहुत सॉफ्ट वाला रियोन का फैब्रिक है इसलिए भी ना। और जो विड्थ है आपको ना इस तरह से यहाँ पे आपको इतनी मिलेगी, और नीचे की साइड पर आते 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 आपका ना नैरो हो जाता है, ये नैरो बॉटम आपका मिल जाता है, ठीक है। स्टिचिंग बहुत अच्छी है, इंटरलॉकिंग हो रखा है हर जगह से, शर्ट में भी सभी में इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी हो रखी है, इंटरनल बहुत बढ़िया वाली है। और ये वाला जो सेट है ये भी हाईली रिकमेंडेड है, बहुत बढ़िया वाला है, इन है सभी के सभी इन हैं, और कैजुअल में डेली वेयर में इसमें से जो कुर्ती है आप पहन सकती हैं। और ये वाला सेट तो आप किसी छोटे मोटे ओकेज़न में या आपके घर में भी कोई फंक्शन वगैरह है तो उसमें भी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं, और हाईली रिकमेंडेड है।
तो ये था आज का मेरा हॉल वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो गिव अवे चल रहा है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट डाउन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, तो अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि मेरे वीडियो के अंदर कुछ कमी है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं उस कमी को भी ना दूर करने की कोशिश करूँ कि हाँ मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या मुझे किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था या यस, जो भी आपको सही लगता है प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्या मैं सभी चीज़ें क्लियर नहीं करती हूँ, कुछ भी जो भी आपको लगे ना मेरी वीडियो में कि मैम ने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो प्लीज़ आप मुझे उसके बारे में भी बताएं, ताकि क्या कि मैं अपनी जो मेरे अंदर भी कमियां हैं मैं उनको भी थोड़ा दूर करने की कोशिश करूँ। आप लोग ही हैं, आप लोग मेरी फैमिली है, आप नहीं बताएंगे तो मुझे कौन बताएगा, है ना। तो ये था मेरा छोटा सा हॉल वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ उन्हें भी चैनल पर आप इन्वाइट कीजिएगा। और मिलती हूँ किसी और अच्छे से हॉल वीडियो के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह से मेरे साथ में बने रहिएगा और टेक केयर, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।